ये है दिल्ली दर्पण। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के जहांगीरपुरी जे ब्लॉक से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक अंकित नाम के युवक जो कि दूध का व्यापार करता है, वो पास के ही भलसवा गांव का रहने वाला है। इस युवक पर कुछ संदिग्ध लोगों ने चाकूओं से हमला कर दिया। युवक की हालत गंभीर है, जिसे बाबू जगजीवन राम अस्पताल से सफदरजंग के लिए रेफर किया गया। दरअसल बुधवार शाम 18 साल का अंकित जहांगीरपुरी के जे ब्लॉक में था। उसी वक्त कुछ 10 से 15 लड़के वहां पर आए और अंकित के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगने के कारण अंकित की हालत नाजुक बनी हुई है। सर, उसका नाम अंकित है। मैं अपने जे ब्लॉक के जगह फ्लैटों के सामने जो बनी पड़ी है, वहाँ से लाल का फोन पे बात करता हुआ, तो वो उन 3-4 लड़के थे, उन्होंने पहले मेरे को पकड़ लिया, उन्होंने मेरे को मारा काफी। अच्छा। मारने के बाद मेरे बंदूक से पीठ पे और छाती पे काफी मारा। कह रहे अंकित कहाँ है, अंकित को फोन करके बुला। तो उन्होंने मेरे फोन से अंकित को फोन किया कि अंकित तू कहाँ है, तो अंकित को बुलाया। अंकित पहले आया, पर मैंने अंकित को बोल, अंकित वहाँ से देखा लड़के हैं तो चला गया। उन्होंने दोबारा से फोन किया अंकित को कि अगर तू यहाँ नहीं आएगा तो इसकी लाश ले जाइए उठाकर। अच्छा। तो वो लोग, अंकित नहीं आया तो वो लोग उन्होंने वहीं चले गए जहाँ पे अंकित था। अच्छा। वहीं पर सर उन्होंने जाते ही हाथापाई हल्की करी, एक जैसी उन्होंने फायर करी, फायर तो मिस हो गई और उन्होंने चाकू मार दी। तो वहीं दूसरी तरफ घायल अंकित के भाई का आरोप है कि हमलावरों के पास में रिवॉल्वर भी थी, जिससे उन्होंने हवाई फायरिंग भी की। साथ ही अंकित के भाई ने बताया कि पहले उसने आकर अंकित के बारे में पूछा, जब अंकित उन्हें नहीं मिला तो हमलावरों ने उसे जे ब्लॉक में ढूंढा और उसके बाद चाकू से उसे घायल कर दिया। अंकित को सीने और कंधे समेत शरीर के कई हिस्सों में चाकू लगे हैं, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट।